जनपद संभल की चंदौसी में मुस्लिम समाज के लोगों ने मजार शरीफ पर दुआ करके खुदा से कोरोना से मुक्ति की दुआ मांगी। कोरोना का असर भारत के साथ ही पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के इस समय में आज जनपद संभल की चंदौसी में मुस्लिम समाज के लोगों ने मजार शरीफ पर दुआ करके मुल्क और विश्व की सलामती की दुआ मांगी। साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की कि जिस तरह से लोगों ने लॉकडाउन के दौरान रमजान के पवित्र माह में इबादत की, उसी तरह ईद की नमाज भी घर पर अदा करें तथा घर पर ही सादगी से त्यौहार मनाएं। आज आपने मजार शरीफ पर दुआ की और इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है, हिंदुस्तान में भी इस बीमारी से हजारों लोग जो हैं वो संक्रमित हैं और लोगों की जानें भी जा रही हैं। आज हमने मजार शरीफ पर दुआ की कि अल्लाह इस बीमारी से हमारे मुल्क की और तमाम आलम की जो है वो हिफाजत फरमा, इस बीमारी को ख़त्म फरमा। इसके साथ साथ केंद्र सरकार जो विकास का पैसा लगाती वो कोरोना बीमारी में लगा रही है लोगों के इलाज के लिए, इससे अर्थव्यवस्था जो है वो हिंदुस्तान की ठप हो चुकी है। और जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, लोग जो हैं परेशान हैं, कारोबार ख़त्म हो गए, लोगों की जाने जा रही हैं। ऐसे में मुसलमानों से ये अपील है कि जैसे उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में, अब आखिरी अशरा चल रहा है, पूरे महीने में रमज़ानुल मुबारक के घरों में रहकर इबादत की, अल्लाह से दुआ की, इसी प्रकार मुसलमान ईद का त्यौहार भी सादगी से मनाएं। क्योंकि जब एक परेशानी पूरे हिंदुस्तान में है तो उसमें खुशी मनाना जो है किसी हद तक सही नहीं है। मुसलमानों से ये अपील है कि वो ईद का त्यौहार सादगी के साथ घरों पर रह के मनाएं और बाज़ारों में ना निकले बिल्कुल, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, दूरियां बना के चलनी है। बहुत ज़रूरी, अगर कुछ ज़रूरी ख़रीदारी करनी है तो अपना घर से निकल के वो कर लें, लेकिन ईद की शॉपिंग वगैरह जो है वो कतई ना करें। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी से जल्द जो है हम सबको निजात दे। हम ये कहना चाहते हैं कि आज कोरोना की वजह से पूरे हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं और कारोबार की पोजीशन भी बहुत ख़राब है, इसलिए मुसलमानों से अपील है ईद सादगी से मनाएं और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करें और सरकार के हर आदेश का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सरकार का साथ दें, सिविल सर्विस का साथ दें। जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, डॉक्टर पुलिस वाले, उनका बातों का पालन करें, कोई परेशानी पैदा नहीं करें। जहां एक और पूरी दुनिया कोरोना की बीमारी से परेशान है और मुस्लिम धर्म गुरु भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग जो हैं मुस्लिम समाज सादगी से ईद मनाएं, इसी को लेके आज बातचीत हो रही है ऑल इंडिया उलमाए मशाइख बोर्ड के तहसील सदर जनाब हाफिज मतीन अशरफी साहब से। इस बारे में हाफिज साहब आपका क्या कहना है, क्या पैगाम आप जो है वो आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं? نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمامی اپنے برادران سے وطن سے اپیل کرتا ہوں اور خاص کر بات یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت مہاماری کا شکار ہے لوگ اس بیماری سے दुनिया से रुखसत भी हो रहे हैं और कुछ ठीक भी हो रहे हैं, कुछ इसमें अभी इलाज चल रहा है। तो इसके देखते हुए हमारे उलमा ने, मशायख ने और ख़ास दरगाहों के सज्जादगान ने, खास गुजार लोग हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाई बड़ी सादगी से खामोशी के साथ ईद का त्यौहार मनाएं और कोई शॉपिंग ना करें, वो शॉपिंग का पैसा बचाने के बाद हम अपने गरीब लोगों की मदद करें।